बी क्यू इज अ टेंजेंट एट सी। अब ए बी हमारा डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर। अब देखो ए बी डायमीटर होने की वजह से ए सी बी है ना, एंगल ए सी बी 90 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों? सो सेमी सर्कुलर एंगल इसको बोलते हैं, सेमी सर्कुलर एंगल। ओके, सेमी सर्कल एंगल आप बोल सकते हैं या सेमी सर्कुलर एंगल बोल सकते हैं, राइट? अब हमारे पास सी ए बी भी दिया हुआ है, दिस इज द 30 डिग्री है ना, और ये हमने निकाल लिया कितना है 90। सो एंगल बी यानी एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस 30। और ये क्यों? सो ये इसलिए एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, क्लियर? अब एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये 120, सो दिस इज द 60 डिग्री, यानी ए बी सी हो गया हमारा 60। ओके, अब आपके लिए जब बी निकल गया, ए बी सी निकल गया, तो जितना ए बी सी होगा, सो जितना ए बी सी होगा उतना ही क्या होगा, पी सी ए, एंगल पी सी ए, और ये होगा कितना, सो दिस इज द 60 डिग्री, और यही हमें बताना था। और ऐसा क्यों है ये 60 डिग्री क्यों है? सो 60 डिग्री इसलिए है क्योंकि इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। ओके, सो अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम की वजह से ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 60, जितना ये उतना ही ये भी।